हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम टॉप 5 ऐसे ट्रिक बताएंगे फेसटून 2 एप्लीकेशन के बारे में, जिसकी मदद से आप अपनी फ़ोटो में एक अच्छा सा क्वालिटी ला सकते हो, अच्छा सा बेहतरीन फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से लिंक है, वहाँ से इजीली डाउनलोडिंग कर सकते हो। और साथ में बताएंगे कि आप एप्लीकेशन में फ़ोटो को सेव भी कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही मतलब खास होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा। और जो भी भाई चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए अपना डाटा ऑन रखना होगा, ठीक है। तो डाटा ऑन कर दीजिए, इसके बाद एप्लीकेशन में घुस जाएंगे। तो देखिए, अपना डाटा ऑन कर दीजिएगा तभी एकदम फर्स्ट क्लास चलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर के साइड कोने में गैलरी का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, अपना अपना फ़ोटो लेना है, ठीक है। जो भी आप फ़ोटो एडिटिंग करना चाहते हो, जिस टाइप के, इस टाइप का आपको फ़ोटो ले लेना है। तो चलिए हम फ़ोटो ले लेते हैं। देन गाइस, ये हमारा फ़ोटो हो चुका है। तो गाइस, इस फ़ोटो को देख लीजिएगा, थोड़ा सा एडिटिंग हुआ है। तो यहाँ पे नीचे के साइड में आपको बहुत से सारे ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन रहेगा हमारा कि अपने फेस को स्मूथ कैसे करते हैं। तो गाइस, इसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है इस वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ राउंड राउंड घूमेगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डबल स्मूथ का बटन आपको दिख रहा होगा, एक मिनट आप दिखा दे रहे हैं ये वाला। इस पर आपको क्लिक कर देना है ऐसे, क्लिक करके, और जहाँ आपको स्मूथ करना है ऐसे, इस मतलब जूम करके ऐसे ब्रश को चलाना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी हाई क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ से फुल ऑफ कर सकते हैं, जितना आपको ब्लर चाहिए। तो यहाँ पे हम कहूँगा कि भाई फुल रखिएगा, ठीक है, तो ब्लर एकदम अच्छा होगा। ये देख सकते हो काफ़ी शानदार ब्लर हो रहा है। तो इस टाइप से आप अपने फ़ोटो में एकदम ब्लर एकदम अच्छा से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे धाग धब्बे नहीं उपचेगा ऑटोडेस्क के, मतलब इसी की तरह। तो यहाँ पे देख सकते हो चुका है। और इसके बाद आपको यहाँ से डन कर देना है, नीचे की साइड डन। तो यहाँ पे कुछ ऐड आ सकता है, ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। तो ऐड को यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा स्टेप। तो दूसरा स्टेप में आपको हम बताएंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पर आपको दूसरा स्टेप में हेयर बताएंगे, हेयर वाला स्टेप बताएंगे, ठीक है। तो हेयर के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करना है, हेयर पे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्या होगा कि अपने हेयर का रंग बदल सकते हो, जिस टाइप आप रखना चाहते हो, कोई भी रंग रखना चाहते हो, इस टाइप से आपका हेयर हो जाएगा। तो वेट कर लेते हैं, थोड़ा राउंड राउंड घूम रहा है, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो नीचे के साइड में बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, हेयर के लिए। तो सबसे फर्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए, जैसे हाई क्वालिटी है, यहाँ पे कर सकते हैं फुल ऑफ जितना आपको चाहिए। यहाँ पे बहुत से सारे ऑप्शन रंग दिख रहे हैं आपको हेयर वाले, इस पर आपको क्लिक करके जिस टाइप से आपको अच्छा लगेगा इस टाइप आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत से सारे ऑप्शन हैं। तो इसके बाद यहाँ से आप यहाँ पर भी क्लिक करके यहाँ पर बहुत सारे आपको यहाँ पर सेटिंग मिलेगी, इसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, कम बेस कर सकते हो कुछ काज। तो ये होगा। अब आते हैं हम तीसरा एप्लीकेशन में। तो तीसरा स्टेप में हम आपको बताएंगे कि अपने कपड़े का कलर चेंज कैसे करते हैं, ठीक है, एकदम शानदार चेंज कैसे करते हैं। मान लीजिए कलर हमको अच्छा नहीं है, तो इसके लिए आपको क्लिक करना है इस पर, ठीक है, बगल में लिखा होगा हेयर के बगल में होगा। इसके बाद इसको ऐड हटा लेंगे, कुछ ऐड राउंड राउंड घूमेगा, ठीक है। तो कुछ वेट कर लेते हैं। तो दिन गाइस, यहाँ पर देख सकते हो नीचे के साइड में बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे कपड़े वाले। यहाँ पर कोई भी कलर आपको रख लेना है यहाँ पे, तो ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस टाइप से रख सकते हैं, और ये स्माइल वाला भी रख सकते हो, यहाँ पे ये भी रख सकते हो यहाँ पे। तो सबसे बेस्ट हमको कपड़ा ये लगता है, लास्ट में ये मिलता है आपको, ठीक है। ये कपड़ा बहुत ही मतलब इसे इस टाइप से बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से अच्छा लग रहा है, तो इससे हम यहाँ पर कम बेस कर सकते हैं, लाइट दे सकते हैं कपड़े में। इसके बाद आपको डाउन कर देना है, तो देख लीजिएगा। अब चलते हैं अपने, तो गाइस चौथे स्टेप में बताएंगे अपने बैकग्राउंड को चेंज कैसे कर सकते हो, मतलब कोई भी बैकग्राउंड पे चेंज कैसे कर सकते हो। तो गाइस, थोड़ा नॉइस में प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि बगल में थोड़ा सॉन्ग्स बज रहा है, ठीक है। तो इसे अभी बजेगा तो देख लीजिए गाइस, बज भी गया तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड मतलब लगा सकते हो, इस टाइप से देख सकते हैं यहाँ पर,
बहुत से सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। और एक और बात, यहाँ पे आप अपने गैलरी से भी ला सकते हो फोटो को। तो इसे लाने के लिए यहाँ पे आप गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने गैलरी में जो भी बैकग्राउंड मतलब लगाना चाहते हैं यहाँ से इजीली लगा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस टाइप से आप लगा सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे देख सकते हैं इतना हो गया है। एंड इसके बाद हम चलते हैं अपने पांचवा की तरफ, लास्ट वाले ऑप्शन की तरफ। तो लास्ट वाले ऑप्शन में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मतलब बैकग्राउंड में हाई क्वालिटी का ब्लर कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम में आप देख लीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन के क्लिक कर दीजिएगा इस पर। तो गाइस थोड़ा नॉइस में प्रॉब्लम आ सकता है। तो गाइस यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से यहाँ पे कुछ इतना ब्लर कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितना हाई ब्लर हो गया है, कम बेस कर सकते हैं यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे अगर आपको कहीं ब्लर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप जूम करके यहाँ से जूम करके इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप भी यहाँ से इजीली आपको यहाँ पे ब्लर यहाँ पे हटा सकते हैं, जैसे ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं इधर इधर लग गया इधर, ठीक है। तो इसे हटाने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ से आप अरेंज करिएगा तो अरेंज हो जाएगा इजीली, ठीक है गाइस, ये देख सकते हो। तो गाइस कुछ इतना हाई क्वालिटी ब्लर हो चुका है। तो काफ़ी शानदार एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप यूज करिएगा तो अच्छा से मतलब फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कम बेस करके आपको जितना रखना है इतना रख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा गाइस। और एक और बात बता दें, आप सेव कैसे करते हैं। तो सेव करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी सेव का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर कहीं भी। तो आप सेव कैसे कर सकते हैं इस पर हमने एक वीडियो भी बना रखा है, तो चलिए इसमें भी बताते हैं। ये नीचे के साइड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, एकदम नीचे के साइड वाले ऑप्शन पे। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐड आ सकता है, तो ऐड को थोड़ा वेट कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए ऐड इतना सेकेंड का है, तो इतना सेकेंड थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको बताएँगे क्या करना होगा आगे आगे। तो गाइस थोड़ा नॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, तो गाइस यहाँ पर ऐड को थोड़ा देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड ख़त्म हो गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर की साइड कट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके कट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेव का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो सेव हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर इस टाइप का आपको फोटो एडिटिंग सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।